हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे। तो एमसीसी में डिम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। एमसीसी ने फाइनली सीट मैट्रिक्स को भी जारी कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 2000 सीट्स यहाँ पे वैकेंट नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए सीट पाने का, क्योंकि इसके बाद में आपकी सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी। स्टे वैकेंसी राउंड में सीट्स बहुत कम बचने वाले हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जितनी भी एनआरआई सीट्स को स्टे वैकेंसी राउंड में कन्वर्ट किया जाता था, अब ये मॉप अप राउंड में ही आपको होता हुआ नजर आएगा। कई पेरेंट्स और बच्चों का मैसेज आ रहा है हमारे पास में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि रिपोर्टिंग के टाइम पे जब वो कॉलेज में गए तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। जैसे कि उनको रियलाइज़ हुआ कि कॉलेज में लिविंग कंडीशंस को लेकर के आसपास के एरिया में प्रॉब्लम होगा, उनको फूड में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, कनेक्टिविटी का इश्यू है, और साथ ही में अदर एक्सपेंसेस के बारे में भी क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से उनका ओवरऑल कॉस्ट भी डिसबैलेंस हो जा रहा है। तो अब आप अगर अपनी आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बिल्कुल भी ना करें। जितनी कोशिश करें कि आप अपनी एक थॉरो स्टडी करके ही चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज में आपकी कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बाकी सिचुएशंस भी आपके हिसाब से फेवरेबल हो। क्योंकि अगर कोई भी कॉलेज आपको इस राउंड में अलॉट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप स्टे वैकेंसी राउंड से तो आप बाहर हो जाएंगे, साथ में आपके 2 लाख रुपए भी फॉरफिट हो जाएंगे। एक जो अभी इंफॉर्मेशंस कई जगह सर्कुलेट हो रही हैं फीस स्ट्रक्चर के निगोशिएशंस को लेकर के, उसके बारे में भी मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा कि कहाँ पे इस तरह का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और किस तरह के कॉलेज में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और किसके पीछे क्या रीज़न है। आज की वीडियो में मैं आपको कॉलेज वाइज कहाँ पे कितनी सीट वैकेंट है, किस तरह का कट ऑफ का ट्रेंड होने वाला है, कहाँ पे कट ऑफ बढ़ने वाली है, कहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप होने वाला है, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मॉप अप राउंड की फाइनल सीट मैट्रिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं वैकेंट। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ओपन कैटेगरी, एनआरआई कैटेगरी और फाइनल जो टोटल फिगर आ रहा है इनका वो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। इस कॉलेज में ओपन कैटेगरी में 4 सीट्स अवेलेबल हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में 1 सीट है, एनआरआई में 1 सीट अवेलेबल है। टोटल सीट यहाँ पे वैकेंट जो नज़र आ रही है वो 6 सीट्स। इस कॉलेज में आप कट ऑफ हायर साइड पे एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि राउंड 1 से राउंड 2 के बाद में जो वेरिएशन अभी मॉप अप राउंड में आएगा वो राउंड 1 से भी हायर साइड पे आपको दिखेगा। केएमसी मणिपाल में भी बहुत कम सीट्स अवेलेबल हैं, 4 सीट्स ओपन में, 3 सीट्स एनआरआई में, 7 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं। 3 सीट्स भी इनकी एक्सपेक्टेड है कि एनआरआई की अलॉट हो जाएगी, जिसके वजह से मणिपाल की कट ऑफ भी राउंड 1 से हायर साइड पे रहेंगी। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के मैंगलोर कैंपस में 4 सीट्स ओपन में, 9 सीट्स एनआरआई में और टोटल 13 सीट्स अवेलेबल दिख रही हैं। इसकी भी कट ऑफ मॉप अप राउंड में राउंड 2 से हायर साइड पर रहेंगी। सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज में फी स्ट्रक्चर सबसे लोएस्ट है, 1 सीट है ओपन कैटेगरी में, 18 सीट एनआरआई कैटेगरी में है, टोटल 19 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल दिख रही हैं। अगर एनआरआई की सीट्स यहाँ पे कन्वर्ट भी हो जाती हैं उस कंडीशन में भी इसके कट ऑफ में किसी तरह का ड्रॉप आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। जेएसएस मेडिकल कॉलेज में फी स्ट्रक्चर बढ़ तो गई, बट उसके बावजूद भी इस कॉलेज में आप देखिए डिमांड इस तरह का है कि बहुत कम सीट्स इनकी वैकेंट होकर के आई हैं, यानी कि 6 सीट ओपन में, 7 सीट्स इनकी एनआरआई कोटा में, 13 सीट्स इनकी टोटल वैकेंट है। कट ऑफ इस कॉलेज की भी जिस हिसाब से राउंड 1 से राउंड 2 में ड्रॉप हुई थी, बट मॉप अप राउंड में इसकी कट ऑफ फिर से बढ़ जाने की संभावना दिख रही है। के एस हेगड़े मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट सीट फुल हो चुकी हैं, 3 सीट्स इनकी ओपन में, 1 सीट एनआरआई में, टोटल 4 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। इस कॉलेज की भी कट ऑफ बढ़ जाएंगी मॉप अप राउंड में। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी में 3 सीट्स ओपन कैटेगरी में, 20 सीट्स एनआरआई में, टोटल 23 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। माइनर कट ऑफ में वेरिएशन आपको देखने के लिए मिला, हो सकता है कि थोड़ी कट ऑफ इसमें ड्रॉप करे। अमृता कोची में 3 सीट्स ओपन में, 2 सीट्स एनआरआई में, 5 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं। इस कॉलेज की कट ऑफ बहुत हाई आपको दिखेंगी मॉप अप राउंड में। मणिपाल टाटा में 5 सीट्स ओपन की, 5 सीट्स एनआरआई की, टोटल 10 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस कॉलेज की भी कट ऑफ राउंड 2 से हाई होगी मॉप अप राउंड में। देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज जो कि कोलार में है, 3 सीट्स ओपन की, 21 सीट्स एनआरआई की यहाँ पे वैकेंट है। अगर ये सारी सीट कन्वर्ट भी हो जाती हैं उस कंडीशन में भी फी स्ट्रक्चर लोअर होने की वजह से इस कॉलेज के कट ऑफ आपको राउंड 2 से हाई दिखेंगे यहाँ पे मॉप अप राउंड में। येनाबोया मेडिकल कॉलेज में
जो ओपन सीट्स हैं वो 4 हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में ओपन सीट्स 3 हैं, एनआरआई की कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है, टोटल सीट्स यहाँ पे 7 है। इस कॉलेज की भी कट ऑफ आपको थोड़ी हायर साइड पे नजर आएंगी मापा ब्राउन में। एसपीकेएस में ओपन सीट्स कोई भी अवेलेबल नहीं है, जैन माइनॉरिटी में 2 सीट्स अवेलेबल है, 13 सीट्स एनआरआई की है, 15 सीट्स इन टोटल अवेलेबल आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अगर सीट्स कन्वर्ट होती है एनआरआई में तो माइनर कट ऑफ में ड्रॉप आप देख सकते हैं मापा ब्राउन में। जेएनएमसी बेलगांव में 3 सीट्स ओपन की, 8 सीट्स एनआरआई की वैकेंट है, टोटल 11 सीट्स यहाँ पे वैकेंट अभी हैं। इस कॉलेज में भी कट ऑफ ड्रॉप होने की संभावना बहुत कम है। कलिंगा में भी कट ऑफ बढ़ेंगी, 3 सीट्स ओपन की हैं, 6 सीट्स एनआरआई की वैकेंट है, टोटल 9 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। श्री रामचंद्रा में 7 सीट ओपन की, 13 सीट एनआरआई की, टोटल 20 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। इस कॉलेज में कट ऑफ आप थोड़ा ड्रॉप देख सकते हैं। बीएम पाटिल बीजापुर में 7 सीट्स इनकी ओपन की, टोटल 26 सीट्स एनआरआई की वैकेंट है, टोटल 33 सीट्स हैं। माइनर कट ऑफ में ड्रॉप आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएसएमसी तुमकुर में 10 सीट्स ओपन की, 20 सीट्स एनआरआई की। फी स्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दें तो 15,65,750 है, इस वजह से थोड़ा कट ऑफ इनका बढ़ सकता है। भारतीय विद्यापीठ पुणे में मात्र 1 सीट ओपन की वैकेंट है और 18 सीट्स एनआरआई की, जिनमें से कुछ सीट्स एक्सपेक्टेड हैं कि अलॉट होंगी और बाकी सीट्स आएंगी अगर ओपन में, उस कंडीशन में भी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एमएम मुलाना में 9 सीट्स ओपन की हैं, 20 सीट्स एनआरआई की, 15 लाख रुपीज़ फी स्ट्रक्चर है। ऑल दो यहाँ पे इंक्रीमेंटल फीस होने के बावजूद भी आप कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ड्रॉप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आईएमएस भुवनेश्वर में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा सीट्स नज़र आ रही हैं, ओपन कैटेगरी में 20 सीट्स इनकी वैकेंट है, 24 सीट्स एनआरआई की। कॉलेज बहुत ही अच्छा है, इंस्पाइट ऑफ दैट 44 सीट्स यहाँ पे आपको नज़र तो आ रही हैं, बट आप जिस हिसाब से राउंड वन और राउंड टू में आपने देखा होगा कि राउंड वन से राउंड टू में कट ऑफ इसकी ड्रॉप नहीं की थी, इनफैक्ट इसकी कट ऑफ राउंड टू में बढ़ गई थी, इसी हिसाब से मॉप अप में भी आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ में ड्रॉप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एमजीएम मेडिकल कॉलेज मुंबई में 3 सीट्स ओपन की, 19 सीट्स एनआरआई की, 22 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। इस कॉलेज में भी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट करिए कि थोड़ी इनकी बढ़ जाएगी कट ऑफ। एमजीएम औरंगाबाद में भी कट ऑफ बढ़ने की संभावना बिल्कुल है, 1 सीट ओपन की, 23 सीट्स एनआरआई में वैकेंट है, 24 सीट्स टोटल वैकेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टी बेगूर में 22 सीट्स ओपन की, 22 सीट्स एनआरआई की, 44 सीट्स टोटल वैकेंट है। थोड़ा कट ऑफ में माइनर वेरिएशन इस कॉलेज में आप देख सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ सांगली में 8 सीट ओपन की, 22 सीट्स एनआरआई की, 30 सीट्स टोटल यहाँ पे वैकेंट है। थोड़ा सा ही आप कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ड्रॉप कर सकते हैं राउंड टू से मॉप अप में। एसआरएम मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई में, 56 ओपन सीट्स हैं यहाँ पे, 3 सीट्स एनआरआई की वैकेंट है, टोटल 59 सीट्स हैं। कट ऑफ ऑलरेडी इनकी बॉटम साइड पे रही थी, एक्सपेक्टेड है इतनी ही कट ऑफ अभी मॉप अप राउंड में भी रहेगी क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। राजा राजश्री मेडिकल कॉलेज में 23 लाख रुपीज़ की फीस स्ट्रक्चर है, 16 ओपन सीट्स हैं, 38 एनआरआई की सीट्स अवेलेबल हैं। सारी की सारी सीट एक्सपेक्टेड है कि कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन में, 54 सीट्स रहेंगी मॉप अप राउंड में, माइनर कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है इस कॉलेज में। सविता मेडिकल कॉलेज में 8 सीट मात्र ओपन की रही हैं, टोटल 8 सीट्स अवेलेबल हैं। 24,75,000 फीस तो ज़रूर है बट इस कॉलेज की फीडबैक बहुत बढ़िया है, इस कॉलेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ी इनकी बढ़ जाएगी। डीवाई पाटिल कोल्हापुर में 6 सीट्स ओपन की, 23 सीट्स एनआरआई की वैकेंट है, टोटल 29 सीट्स यहाँ पे वैकेंट दिख रही हैं। माइनर वेरिएशन ही आप कट ऑफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है इसकी कट ऑफ बढ़ भी जाए। विनायका मिशन कराईकल में कट ऑफ फिर से ड्रॉप करेंगी, 18,50,000 फीस स्ट्रक्चर तो जरूर है बट फीडबैक इस समय जिस हिसाब से आया है इसके वजह से यहाँ पे 36 यहाँ की ओपन सीट्स अभी वैकेंट है। जितनी भी एनआरआई सीट्स यहाँ पे थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया है ऑलरेडी ओपन सीट में। कृष्णा करार में 50 सीट्स ओपन की, एनआरआई सीट 29 है। इस कॉलेज में आप कट ऑफ ड्रॉप एक्सपेक्ट करेंगे मापा प्राउंड में राउंड टू से। विनायका मिशन सेलम में 2 सीट्स ओपन है, एनआरआई में 23 सीट्स अवेलेबल है, 25 सीट्स टोटल अवेलेबल है। ये सीट्स भी एक्सपेक्टेड है कि कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन में, इस कंडीशन में थोड़ा आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप हो सकता है। दत्ता मेघे वर्धा में 8 सीट्स ओपन की, 38 सीट्स एनआरआई की वैकेंट है, टोटल 46 सीट्स अवेलेबल हैं। माइनर वेरिएशन होगा, कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप कर सकता है मॉप अप राउंड में। एमजीएम पॉन्डिचेरी में 11 सीट्स ओपन की, 37 सीट्स एनआरआई की, टोटल 48 सीट्स अवेलेबल हैं। कट ऑफ जिस हिसाब से आपने राउंड टू में देखा था उस हिसाब से थोड़ा आपको कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप होते हुए नजर आएगा मॉप अप राउंड में। चेटीनाड कांचीपुरम में 31 सीट्स ओपन की, 37 सीट्स एनआरआई की वैकेंट है,
68 सीट्स टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। थोड़ा कट ऑफ इस एक कॉलेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ड्रॉप करेगा मापा प्रॉन है। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है 26 सीट्स ओपन की, 36 सीट्स एनआरआई की, टोटल 62 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। कट ऑफ में 5 से 7 मार्क्स का डिफरेंस आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड टू से मॉपअप में। गीतम में 12 सीट्स ओपन की, 23 सीट्स एनआरआई की है, 35 सीट्स टोटल वैकेंट है, कट ऑफ इसकी भी लोअर साइड पे रहेगी। अरुबडाई में 60 सीट्स ओपन की, 23 सीट्स एनआरआई की, 83 सीट्स इनकी अभी वैकेंट है। इस कॉलेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ बॉटम साइड पे आपको नजर आएगी। श्री बालाजी चेन्नई में 45 सीट्स ओपन की, 38 सीट्स एनआरआई की, टोटल 83 सीट्स यहाँ पे वैकेंट दिख रही हैं, कट ऑफ इसकी भी थोड़ी लोअर साइड पे रहेगी। डीवाई पाटिल मुंबई में 10 सीट्स ओपन की, 14 सीट्स एनआरआई की वैकेंट है, 24 सीट्स यहाँ पे टोटल वैकेंट है। कट ऑफ हो सकता है कि इनका थोड़ा बढ़ भी जाए मुंबई के लोकेशन की वजह से। श्री सत्य साई की 72 सीट्स ओपन की वैकेंट है, एनआरआई सीट्स में 23 सीट्स वैकेंट है, एक्सपेक्टेड है कि इनकी सारी सीट्स कन्वर्ट हो जाएगी ओपन में, उस कंडीशन में 95 सीट्स वैकेंट रहेंगी, कट ऑफ इनकी बॉटम साइड पे रहेंगी, यानी कि लोएस्ट स्कोर पे भी इस कॉलेज में कॉलेजेस बच्चों को अलॉट हो सकती हैं। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज में 149 सीट्स ओपन में, 38 सीट्स एनआरआई में, टोटल 187 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। कट ऑफ आप बिल्कुल बॉटम स्कोर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दत्ता मेघे नागपुर में 14 सीट्स ओपन की, एनआरआई में 22 सीट्स, 36 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एसीएस मेडिकल कॉलेज में 77 सीट्स ओपन में, 22 सीट्स एनआरआई की, 99 सीट्स यहाँ पे टोटल अवेलेबल हैं, कट ऑफ यहाँ पे भी लोअर साइड पे रहेंगी। संतोष मेडिकल कॉलेज में 20 सीट्स ओपन की, एनआरआई में 15 सीट्स, जो कि सारी सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगी मॉपअप में ओपन कैटेगरी में, 35 सीट्स पे इनका कट ऑफ लोअर साइड पे ही रहेगा। श्री लक्ष्मी नारायण में 186 सीट्स ओपन में, 22 सीट्स एनआरआई, 208 सीट्स टोटल यहाँ पे वैकेंट है। तो इस शीट में आप देख सकते हैं मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज, श्री लक्ष्मी नारायण और भारत, ये तीन मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं, और ये वही कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप कॉलेज लेवल पे फी निगोशिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फी स्ट्रक्चर हाई है, इनकी सीट्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। मॉप अप राउंड में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट हो सकता है वैकेंट रह जाए स्टे राउंड के लिए, या बच्चे हो सकता है रिपोर्टिंग के टाइम पे रिपोर्ट ना करके वापस आ जाए, ऐसे कंडीशन में स्टे वैकेंसी राउंड में इन कॉलेजेस में फीस निगोशिएशंस के चांसेस बहुत हाई हैं। JGMM हुबली में 22 सीट्स एनआरआई की, 4 सीट्स ओपन की वैकेंट है, 26 सीट्स पे इस कॉलेज में, जो कि फीस स्ट्रक्चर 14,35,000 है, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, कट ऑफ इसकी एक्सपेक्टेड है कि राउंड टू से मॉप अप राउंड में बढ़ जाएगी। वेल्स मेडिकल कॉलेज में 10 सीट्स ओपन की, 22 सीट्स एनआरआई की, तो 32 सीट्स यहाँ पे वैकेंट अभी हैं। नए कॉलेज होने के बावजूद भी वेल्स एंड ललिता थंबईगाई में जितनी बाकी के सेटल कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल हैं उनके हिसाब से इनकी रेशियो आप देखिए तो कम सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। इन कॉलेजेस में कट ऑफ हो सकता है कि थोड़ा बढ़ भी सकता है मॉप अप राउंड में। तो टोटल ओपन की सीट्स अगर आप देखें तो 1188 सीट्स अवेलेबल हैं, एनआरआई की 891 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर इन दोनों सीट्स को हम कंबाइन करें तो 2079 सीट्स हैं। अगर एनआरआई सीट्स का जो कन्वर्जन हुआ है मॉप अप राउंड में, अगर कुछ और बच्चे एनआरआई सीट्स को ऑप्ट कर भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि 100 या 150 से ज़्यादा बच्चे सीट लेंगे। ऐसे कंडीशंस में आपको क्लोज टू 1900 सीट्स आपको ओपन कैटेगरी में मिलेंगे, जिसके ऊपर में आप अपने सीट्स को पा सकते हैं, अलॉटमेंट आपको मिल सकता है। ये राउंड वाइज डिम्ड की सीट मैट्रिक्स का ट्रेंड है। राउंड वन में 7,529 सीट्स थी, 2,663 सीट्स राउंड टू में आई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 1/3। और मॉपअप राउंड में देखिए जितनी राउंड टू में सीट्स थी उनसे मात्र लगभग 600 सीट्स कम है। तो मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा सीट्स अभी दिख रही हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से मैंने अभी आपको कट ऑफ बताया उसी हिसाब से वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से ट्रेंड हो सकता है डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि टॉप मिड और हाई फी स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस की। तो ये टॉप कॉलेजेस की एक तरह का ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि राउंड वन में इसकी कट ऑफ हाई रही थी, जैसे कि KMC मणिपाल, मैंगलोर और हमदर्द, इन सब कॉलेजेस में माइनर कट ऑफ का वेरिएशन राउंड टू में देखा गया। अब मॉपअप राउंड में आप फिर से इस कॉलेज की कट ऑफ हायर साइड पे देखेंगे, तो इनमें आप कट ऑफ ड्रॉप एक्सपेक्ट ना के बराबर आप कर सकते हैं।
मिड बजट में जो कॉलेजेस हैं जैसे कलिंगा है या एसडीयू कुलार है या फिर कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जैसे कि मुंबई में लोकेटेड कॉलेज एमजीएम मुंबई, इन सब कॉलेजेस में कट ऑफ जैसे माइनर वेरिएशन आया था राउंड वन से राउंड टू में, मॉप अप राउंड में इन कॉलेजेस में कट ऑफ हायर साइड पे ही एक्सपेक्टेड रहेगा। बाकी के जो हाई फी स्ट्रक्चर कॉलेजेस हैं उनमें ट्रेंड जो है राउंड वन से राउंड टू में ड्रॉप किया था कट ऑफ, ऑलमोस्ट सेम भी रहे थे कई कई कॉलेजेस में, मॉप अप राउंड में कट ऑफ एक्सपेक्टेड है और भी बॉटम साइड पे रहने के। तो अच्छे तरीके से अपनी काउंसलिंग को अटेंड करिए, चॉइस फिलिंग सिंसियरली करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.